कानपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए, अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है, उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया, कोर्ट में केस चल रहे हैं, और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया, मैं आगे बताऊंगा, और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वो ही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं, आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं, इनका एक ही काम है, तुष्टिकरण।